देख भाई तेरी आफत आ गई। अरे यार ये कहां से आ गई? एक काम करो तुम निकलो मैं भी निकलता हूँ। मैं कहाँ भाग रहा था? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अब देख लिया ना, अब कहीं मत भागना। यार मैं क्या करूं, वो हमेशा मेरे हाथ से निकल जाता है। तू एक काम कर, उसका ताबीज करवा दे। उससे कुछ होगा? उससे क्या कुछ नहीं होगा, वो चुटकियों में तेरे पीछे भागेगा। बाबा जी मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो एक ही मुझे भावे नहीं देता। मुझे आप एक ऐसा ताबीज करके दे दो कि वो मेरे पीछे पागल हो जाए। ठीक है। ये ले जा और उसे पहना दे, फिर देख कैसे वो तेरे आगे पीछे घूमता है। थैंक यू बाबा जी, बाबा जी की जय हो। मेरे भागने की कोशिश मत करो, यहीं खड़े हो जाओ चुपचाप। आज तुम्हें मेरी सारी बात सुननी पड़ेगी। बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, अभी इसे पहनो। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने बोला ना मैं करती हूँ ना प्यार, अभी पहनो इसे। और इसे उतारने की कभी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परफेक्ट, उतारना मत इसे। माय डियर हस्बैंड, हम दोनों की जोड़ी कूल लगेगी साथ में। दिन भर आवारे की तरह घूमता रहता है। अब शादी की उम्र हो चुकी है तेरी, कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, उसमें से एक पसंद कर और मुझे बता। पर मुझे शादी नहीं करनी। चुप, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। जो फोटोज मैंने तुझे भेजी है उसमें से एक लड़की पसंद कर और मुझे बता, और अगर तुझे कोई और पसंद है तो मुझे अभी बता दे। मुझे कोई पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे कल तक जवाब चाहिए तेरा। यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा मेरी शादी करवाने पे तुले हैं और इतने बुरे बुरे रिश्ते लेके आ रहे हैं। ऊपर से वो कानू, वो मेरे हाथों के पीछे पड़ी है। कल तो उसने मुझे आई लव यू बोल दिया और ये गिफ्ट भी दिया। अरे उल्टा अच्छा है ना, एक तो लड़की इतनी सुंदर भी है और तुझसे प्यार भी करती है, तो कर ले उसे सही शादी। क्या एडवाइस दे रहा तू भी यार, बात तो सही कह रहा है यार, लड़की अच्छी भी है, एक बार सोच तो सही उसके बारे में।
तो क्या सोचा फिर, आई तुझे कोई पसंद? हाँ पापा, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर करें शादी की तैयारी। जैसे आपको ठीक लगे। मैंने घर पे बात कर ली है हम दोनों के बारे में, और पापा मान भी गए। शादी की बोल रहे हैं। शादी की बात कर रहे हो, वो भी तुम आगे से? करोगी शादी? क्यों नहीं करूंगी, कब है? मुहूर्त निकलेगा फिर होगी शादी, समझी? दो जिस्म एक जान से हम दोनों रहे, मिन्ने तेरी बात भी ठीक सकती, मुकेश जाजी मेरे बोल माँ, आजा गण के मैं ला लूं तने, और तू छाती के लग रही। जब तक इसको पहना था तब तक तो सब कुछ ठीक था, जब से इसको उतारा है मुझसे प्यार ही नहीं करता। लगता है बाबा के पास वापस जाना पड़ेगा। बाबा जी, आपके दिए हुए ताबीज से हम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन अब वो फिर से मुझसे दूर भागने लगा है। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा ताबीज काम ना करे, जरूर उसने निकाला होगा। ठीक है, लाओ। बाबा जी, इस बार आप कोई ऐसा मंत्र फूको कि वो खुद ये ताबीज ना निकाले कभी। अब मैं ऐसा मंत्र मारूंगा कि तुम्हारा साथ जीवन भर रहेगा। ये लो, अब वो इसे उतार भी देगा तो भी इसका असर खत्म नहीं होगा। बाबा जी की जय हो। बाबा जी के इस ताबीज से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा दिया हुआ ताबीज उतारने की? इस बार कुछ ऐसा करूंगी कि वो ये ताबीज कभी ना उतार पाए। आने दो उनको। क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों देख रही हूँ? मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था लॉकेट, वो कहाँ है? लॉकेट? मैंने यही कहीं उतार के रखा था उसे। ये रहा, पहनो इसे। राज के बाद ये उतरना नहीं चाहिए। इसे पहनने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये मैंने दिया। अब सो जाऊं? देख ले भाई, यही होता है शादी के बाद। मेरा ताब लॉकेट कहाँ है? मुझे पहले ही पता था वो ताबीज है, और तूने कुछ ना कुछ तो करवाया था उसमें, पर उसकी जरूरत नहीं है अब।